कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2018 से बाहर हो गई है। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली केकेआर को 14 रन से हार का सामना करना पड़ा, मगर अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि केकेआर की हार सामान्य नहीं थी। केकेआर की टीम में खिलाड़ियों के बीच मतभेद हो गए थे और इन्हीं मतभेदों की वजह से कार्तिक की टीम को हार का सामना करना पड़ा। और ये मतभेद किसी और के बीच नहीं बल्कि टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक और उपकप्तान रॉबिन उथप्पा के बीच उभर कर सामने आए हैं, जिसके बाद डीके ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर बयान दिया है। असल में इस मैच में पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग की थी और मैच के दौरान रॉबिन उथप्पा ने एक कैच छोड़ दिया था। कप्तान दिनेश कार्तिक ने उथप्पा को बाउंड्री लाइन पर पीछे खड़े होने को कहा था ताकि कैच ना छूटे। हालांकि यहां पर उथप्पा का छोड़ा वो कैच आसान भी नहीं था और इसीलिए उथप्पा कार्तिक से कुछ नाराज हो गए। वहीं इसके बाद जब केकेआर की बैटिंग आई तो पहला विकेट आउट होने के बाद इस पूरे सीजन तीसरे नंबर पर रॉबिन उथप्पा ही आए हैं। चाहे रॉबिन उथप्पा ने रन बनाए हों या ना बनाए हों, लेकिन तीसरा नंबर हमेशा उनका ही फिक्स था। लेकिन इस बार उथप्पा के बजाय नीतीश राणा को तीसरे नंबर पर भेजा गया और ये कोई दिनेश कार्तिक का प्लान नहीं था, बल्कि इस दौरान उथप्पा तैयार ही नहीं थे और वो चेंज रूम से डगआउट तक भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि उथप्पा ने जानबूझकर देरी की। हालांकि जब उथप्पा डगआउट में आए तो नीतीश राणा के आउट होने के बाद चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए गए, मगर 8 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाकर उथप्पा चलते बने। ये भी उथप्पा के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उथप्पा भले ही रन बनाए या फिर ना बनाए वो बॉल को बर्बाद नहीं करते, मगर यहाँ उन्होंने बॉल भी बर्बाद की और रन भी नहीं बनाए और आउट हो गए। अब टीम के एक खिलाड़ी के इस तरह के व्यवहार ने हो सकता है कि दिनेश कार्तिक को भी परेशान कर दिया हो, और करीब करीब हर मैच में रन बनाने वाले दिनेश कार्तिक भी शाकिब जैसे सामान्य स्पिनर का शिकार बन गए। मैच के बाद दिनेश कार्तिक से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो कार्तिक ने भी सिर्फ नीतीश राणा को लेकर ही बयान दिया। कार्तिक ने कहा कि अगर नीतीश राणा अपनी मूर्खता की वजह से आउट नहीं होते तो मैच का नजारा कुछ और होता। कार्तिक का साफ इशारा था कि राणा आउट नहीं होते तो मैदान में उथप्पा नहीं जाते और टीम प्रेशर में नहीं आती, जिसके बाद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। खैर जो भी हो, लेकिन केकेआर का अपने खेल नहीं बल्कि इस तरह से हारना बेहद निराशाजनक है। और सबसे बुरा तो डीके के साथ हुआ, जो शानदार कप्तानी के साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ हार गए और वो भी अपनी टीम के खिलाड़ी के एक मतभेद की वजह से।